छत्तीसगढ़ में लगातार भूमि अधिग्रहण हो रहा है। वर्तमान में राजनांदगांव जिले के 3 गांव और बालोद जिला के 9 गांव, कुल 12 गांव के किसानों की जमीन मोहर जलाशय के नाम पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। मेरा नाम बृजलाल साहू है और ग्राम दल्ली का रहने वाला हूँ। ये नदी है वो मोहला साइड से आया है, इसी में मोहर जलाशय के नाम से अभी बांध बनने वाला है। मोहर जलाशय जो बना रहे ना, उसमें मात्र सरकार को और कंपनी को ही फायदा, यहाँ का पानी डायरेक्ट पुरैना प्लांट में जा रहा है और वो कारखाना के लिए है ये पानी, यहाँ किसानों के हित के लिए नहीं है। ये नदी के बाएं हाथ में जो प्लाट है वो मेरा है और इधर दाहिने हाथ में और कुछ मेरा प्लाट है, उसके बाद पूरा गांव है। दल्ली ग्राम है वो आधा किलोमीटर के अंतर्गत में है और दल्ली ग्राम संपूर्ण लुबान के अंतर्गत में आ रहा है और इसी के लिए हमने कई बार कोशिश किया है मगर सब नाकाम हो गया है। अभी तक के कोई हमको सही आश्वासन नहीं मिला है। यह तो हमारा पूर्वजों का देन है जो कि यहाँ हमको इतना बड़ा संपत्ति मिला है, पूरे गांव को आपासी हो रहा है यहाँ से। अभी इसी नाली से सन 76 से समझ जाओ कि गांव वाले इस नाली से उपयोग कर रहे हैं। पूरा दल्ली का खार है वो पूरा इसमें सिंचाई होता है। अब हमको किसानी करना है और ये खेत जैसे खेत तो हमको अभी कहीं नहीं मिलेगा और ये खेत से यहाँ डुबान में दे देंगे ना तो उसके बाद हम तो बेपरवाह मर जाएंगे। बांध बन जाएगा तो रहने बसने, यहाँ का पुनर्वास नीति पुनर्वास के लिए कई बार बोल चुके हैं मगर उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। नाली शुरू हो गया है इसका और बांध बनना तय है, परंतु सरकार है वो इसके पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आदिवासी बाहुल्य है, जब तक के हमारा उचित मूल्य का समर्थन नहीं होगा तब तक के बांध नहीं बनने देंगे। 70% से ज़्यादा है यानी आदिवासी बाहुल्य। दल्ली बांध वाले यानी मोहर जलाशय वालों को मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिए, वहाँ बात कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ बात, मतलब साफ इनकार कर दिए। हाँ, साफ इनकार कर दिए। ये मोहर जलाशय जितना डुबाना प्रॉपर मंचुआ के भी 250 एकड़ जमीन डूब रहा है मगर वहाँ के जो सरपंच है वो एक बारे में कोई यानी पूरा दरकिनार कर दी। हमारा समस्या हल नहीं होने के कारण अब हाई कोर्ट बिलासपुर जाने की तैयारी में है पूर्ण रूप से। संघर्ष समिति के द्वारा दल्ली गांव एवं आसपास के 12 गांव के लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री बिलासपुर हाई कोर्ट तक। इन संघर्ष करने वाले साथियों को छत्तीसगढ़ में जन संघर्ष करने वाले साथियों से मेरा अपील है, निवेदन है कि इन संघर्षशील साथियों को मदद करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।